नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते बनमन की प्रखंड बोहरा पंचायत, जहां मास्क साबुन का अनुदान राशि आज से 10 दिन पहले आने के बावजूद भी पंचायत में मास्क साबुन वितरण नहीं हो पाया है। पंचायत के सभी वार्ड सदस्य ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बनमनखी को एक आवेदन देकर पंचायत में विकास की मांग की, जबकि पंचायत सचिव के द्वारा आपातकालीन मीटिंग करवाया गया और मास्क साबुन पंचायत के सभी वार्ड में वितरण करवाने का निर्देश दिया। लेकिन आज 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी भी वार्ड में मास्क एवं साबुन का वितरण नहीं हो पाया है। पंचायत की जनता में काफी आक्रोश है एवं पंचायत की तरफ से कोरोना जैसे महामारी में हम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल है। भैपल लाइट लगाने की सिर्फ कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन एक महीने बीत जाने के बाद भी प्रतिनिधि के घर पर लाइट रखा हुआ है। उपमुखिया रुपेश यादव का आरोप है कि पंचायत सचिव 7 निश्चय योजना में 15% कमीशन की मांग करते हैं, तो वही मुखिया प्रतिनिधि 10% कमीशन की मांग करते हैं। इसका जिक्र मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन में जिक्र किया है। पंचायत की विकास सिर्फ पेपर पर ही चल रही है। उपमुखिया का कहना है पंचायत में सिर्फ खानापूर्ति एवं लूट खसोट ही है। वृद्ध की मृत्यु हो जाने के बाद भी अभी वृद्धा पेंशन मिल रही है। बहुरा पंचायत के उपमुखिया पंचायत की विकास के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी बनमनखी को आवेदन देकर पंचायत में विकास की गति को जांच कराने की मांग की है। बताइए क्या समस्या आपसे? हम बनमनखी प्रखंड के बहुरा पंचायत के 16 नंबर का वार्ड सदस्य रंजीत मेहता हैं और हमारे पंचायत में अनेकों समस्या हैं। हमारे पंचायत के विकास धीमी गति से चल रही है और इसका कारण है मुखिया जी और सचिव जी। कोरोना के महामारी में 15 दिन पूर्व में ही इसका राशि आवंटित हो गया है। हम लोग कार्यकारिणी भी कर चुके हैं सभी वार्ड सदस्यगण, पर उस पर अभी एक भी वार्ड में मास्क और एवं साबुन का वितरण नहीं किया गया है। और सोलर लाइट 4 महीना पूर्व हम लोग कार्यकारिणी कर क्या दिक्कत है यहाँ पर? दिक्कत यह है कि सर, मैं ग्राम पंचायत बोहरा का उपमुखिया हूँ प्रखंड बनमन की, और अभी जो पंचायत में कोरोना वायरस के समय में सरकार के दिशा निर्देशानुसार साबुन एवं मास्क वितरण करने का ही किया गया था, उसमें एक आपातकालीन सरकार के निर्देशानुसार जो चिट्ठी निकला था उसमें हम लोग जो है कार्यकारिणी किए। लेकिन आज वो 13 तारीख को चिट्ठी निकला था, शायद 14 को के आसपास में हम लोग कार्यकारिणी किए, लेकिन अभी तक नहीं तो मास्क वितरण किया गया है, नहीं साबुन वितरण किया गया है, नहीं ब्लीचिंग पाउडर चेकअप।